भोपाल में विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ गुरुवार को कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई, जहां पूर्व मंत्री उमंग सिंघार समेत दो कांग्रेस विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव में वोट के लिए भाजपा पर प्रलोभन देने का आरोप लगाया था। इसी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी भाजपा के खिलाफ तीखी टिप्पणी की थी। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि लगता है कि कमलनाथ ने अपने विधायकों को ट्रेनिंग नहीं दी है, इसीलिए वे अलग अलग भाव बता रहे हैं। ट्रेनिंग नहीं दी, अलग अलग भाव बता रहे हैं सब। इनको ट्रेनिंग देना चाहिए थी कि एक ही भाव बोलो। यशवंत सिन्हा जी से भी कहलवा दिया। भारतीय जनता पार्टी क्यों तोड़ेगी, क्यों खरीदेगी? हमारी प्रत्याशी 100% जीतने वाली है। यशवंत सिन्हा जी 100% हारने वाले, ये दोनों बातें बिल्कुल स्पष्ट स्क्रीन पर दिख रही है। अब आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे कमलनाथ जी, और दूसरों पे